वेलकम टू द पाठशाला। आपके एसएससी सीजीएल टीयर सेकंड की नाइट क्लास चल रही है और आज की क्लास में हम करेंगे एरर को स्पॉट। इसकी पीडीएफ मैंने आपको दोपहर में दे रखी हुई थी। अब चलिए बगैर देर किए हुए ये एरर स्पॉट करते हैं। और एक चीज़ मैं यहाँ पे ये बता दूँ कि आज की पीडीएफ में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो निहायत ही ईजी है, जिनको टीयर सेकंड के डिस्कशन में हमें नहीं रखना चाहिए, बट आ गए हैं तो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वेश्चन, ये बिल्कुल ही ईजी है, बिल्कुल बच्चे वाले लेवल की है, बिल्कुल बेसिक लेवल की है कि आपको देख के बगैर कैंडल लगाए हुए इसको खटाक से टिक मारना निकल जाना हुआ होता है। तो यहाँ पे देखिए लगेजेज इस्तेमाल है, आपको पता है कि लगेज में एसआईएस नहीं जोड़ते हैं, तो ये यहाँ पे गलत है सी पार्ट में। सेकंड में क्या है, इसका जो क्वेश्चन टैग है वो गलत तरीके से बनाया गया है। इसका क्वेश्चन टैग जो है यू वर वॉचिंग द टीवी के हिसाब से बनेगा, ये किस तरह से बनेगा, वर नॉट यू। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, यहाँ पे देखिए द स्टूडेंट्स इस्तेमाल किया गया और इसके लिए आप देख रहे हैं ये गोज इस्तेमाल किया है, तो यहाँ पे सिर्फ गो का इस्तेमाल होना है, ये बहुत सिंपल सी चीज है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में देखिए चंडीगढ़ के पहले एट इस्तेमाल किया गया, क्या इस्तेमाल करना चाहिए, इनका इस्तेमाल करना चाहिए। और क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, अब ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। द मजिस्ट्रेट इशूड ऑर्डर्स इमिडिएटली फॉर हिज अरेस्ट। जैसे यहाँ पे आप गेस कर सकते हो कि कौन से पार्ट में इरर होगा। यहाँ पे आपको सी पार्ट में लग रहा होगा कि कुछ इमिडिएटली को लेके कुछ लग रहा है कि हाँ ठीक है ये इरर है, या फिर ये डाउट होता है कि चलो इसमें कोई इरर नहीं है। तो मैं यहाँ पे एक बात ये बता दूँ कि आपको एक सेंस समझना है क्या, कि जो मजिस्ट्रेट ऑर्डर इशू कर रहा है वो इमीडिएट ऑर्डर इशू कर रहा है, या जो ऑर्डर इशू कर रहा है वो इमीडिएट अरेस्ट के लिए कर रहा है। तो यहाँ पे जो सेंटेंस कहना चाहता है वो ये कहना चाहता है कि मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर इशू किया है इमीडिएट अरेस्ट के लिए। तो यहाँ पे जो इमीडिएटली ये वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल है तो इसको यहाँ पे नहीं होना चाहिए, यहाँ पे अरेस्ट के पहले आपको यूज करना पड़ेगा इमीडिएट, तब सेंटेंस हो जाएगा करेक्ट। तो जैसे हम स्पॉट तो कर लेते हैं कि हाँ ये गलती है ये गलती है, लेकिन अगर हमें करेक्ट करना आ जाए ना तब हम समझिए कि 100% स्कोर कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, फ्रेंच प्लेन्स आर सुपीरियर। सुपीरियर के बाद देखो टू लगाते, ये भी वाहियात क्वेश्चन था, हम इसको कई बार कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ है, ही इज एवर्स विथ एनी फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। देखो एवर्स के साथ मैंने आपको पढ़ाया है जो है कि टू लगता है, ये मैंने आपको प्रीपोजिशन चार्ट में पढ़ाया था। ही इज एवर्स टू एनी फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। अब मैं, बहुत सारे स्टूडेंट ने पूछा था कि सर आप प्रीपोजिशन चार्ट बोलते हो, सर प्रीपोजिशन चार्ट आपका है कहाँ, तो मैं एक बार बता दूँ कि ऑलरेडी ये आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। जो हमारा वकैप का पहला जो क्लास स्टार्ट था डे वन, उसमें प्रीपोजिशन चार्ट से स्टार्ट किया गया था। अभी 2018 की क्लासेस स्टार्ट हुई है, उसमें भी शाम को 6 बजे प्रीपोजिशन चार्ट अपलोड हुआ है। अगर आप लोगों को नहीं पता है या आपने प्रीपोजिशन चार्ट नहीं पढ़ रखा है तो आप फटाफट उन क्लासेस को कर रख लीजिए, क्योंकि आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट में इरर वाले पोर्शन में 2-3 क्वेश्चन तो आपको प्रीपोजिशन चार्ट से मिल ही जाने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, राम वांटेड टू मैरी सीता मेनी टाइम्स। देखो यार ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या है ना, एमबी पब्लिकेशन में सी पार्ट में इरर लिया गया कि मेनी टाइम्स में इरर है। यार मुझे ये नहीं समझ में आया कि मेनी टाइम्स में क्या इरर, मेनी टाइम्स का मतलब होता है कई बार। देखो मेनी टाइम्स का एक और फॉर्म होता है, ये हम बोलते हैं मेनी ए टाइम। तो पुराने समय में इस तरीके से यूज किया जाता था मेनी ए टाइम, अब मॉडर्न समय में मेनी टाइम्स करके यूज किया जाता है। दोनों का मतलब सेम है, चाहे मेनी ए टाइम इस्तेमाल करो चाहे मेनी टाइम्स इस्तेमाल करो, इसका मतलब होता है कई बार। राम वांटेड टू मैरी सीता, राम सीता से शादी करना चाहते थे कई बार। अब यहाँ पे एक और डाउट होता है कि मैरी टू भी हम पढ़ते हैं कि मैरी के साथ टू लेते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि मैरिड टू समवन लेते हैं, ही इज मैरिड टू ए गर्ल या फिर समवन लेते हैं, तो वो पैसिव वाइज का केस रहता है, पैसिव वाइज केस में हम टू लेते हैं। लेकिन वांटेड टू मैरी सीता ये करेक्ट फॉर्म है, एक्टिव वॉइस में जो है टू नहीं लेते हैं। और ध्यान रखिएगा कि कभी कभी यहाँ पे विथ लग के आता है, आपको फिलर्स में टू का ऑप्शन रहेगा, इन टू का ऑप्शन रहेगा, विथ का ऑप्शन रहेगा, एक आध प्रीपोजिशन और दिया रहता है, तो वहाँ पे हम टू लेते हैं। तो इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा इन चीज़ों को, इन चीज़ को हम ऑलरेडी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, द मैन वर अवेटिंग फॉर। देखिए ये सुपरफ्लुअस सेंटेंस है, अवेटिंग का मतलब होता है वेट फॉर। तो जब अवेट में पहले से ही फॉर लगा हुआ है तो उसके साथ एक एक्स्ट्रा फॉर नहीं लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, या तो आप लीजिए वेटिंग फॉर या फिर सिर्फ अवेटिंग लीजिए, तो अवेटिंग के साथ यहाँ पे फॉर हटाना पड़ेगा, बी पार्ट में गलती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इट इज इम्पॉसिबल टू मेक हर टू अंडरस्टैंड। देखिए मेक हर अंडरस्टैंड होता है, ये जो टू बीच में घुसा हुआ है ये जबरदस्ती का घुसा हुआ है, आपको यहाँ से टू हटाना पड़ेगा। इट इज इम्पॉसिबल टू मेक हर अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम ऑफ द पीपुल वर स्टैंडिंग ऑन द स्ट्रीट वॉच क्रिकेट मैच. देखो यहीं से रिदम नहीं बिगड़ रहा है, वर स्टैंडिंग ऑन द स्ट्रीट वॉचिंग क्रिकेट मैच कुछ इस तरीके से होना चाहिए. तो यहाँ पे पैरेललिज्म की गलती है, देख के ही पता चल रहा होगा. अगर पैरेललिज्म आपने अच्छे से समझा है तो बिल्कुल ही टाइम नहीं लगेगा, आप सी पार्ट में पता कर लोगे कि एरर है और क्या है. तो यहाँ पे वॉचिंग होना चाहिए, वाइल अदर्स वर सिटिंग. देखिए सिटिंग, स्टैंडिंग एंड वॉचिंग, ये तीनों एक रिदम में होने चाहिए. सेकेंड है, आई एम ग्लैड दैट द न्यूज़ आर गुड. यहाँ पे जो न्यूज़ है, न्यूज़ के लिए आप इज का इस्तेमाल करते हो, न्यूज़ को सिंगुलर सेंस में इस्तेमाल करते हो, आर का इस्तेमाल न्यूज़ के साथ नहीं करते हो. क्वेश्चन नंबर थर्ड है, द जज टेस्टेड द एक्यूज टू सी इफ ही वुड रीड इंग्लिश. यहाँ पे देखिए क्या है कि जज ने क्या है, एक्यूज को टेस्ट किया ये देखने के लिए कि क्या वो इंग्लिश पढ़ सकता है या नहीं. तो यहाँ पे पढ़ सकने के सेंस में वुड का नहीं कुड का इस्तेमाल होगा. तो ये एक थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन है, जल्दी दिमाग में जाता नहीं कि वुड लगाएंगे कि कुड लगाएंगे. तो यहाँ पे कुड लगाएंगे क्योंकि जज टेस्ट कर रहा है एक्यूज्ड को कि क्या वह इंग्लिश पढ़ सकता है या नहीं. क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, आई हैव नाइदर विजिटेड. देखो ये नाइदर नॉर का केस है, नाइदर नॉर होगा और की जगह इंटेंटेड टू विजिट हिल स्टेशन. बहुत आसान सा क्वेश्चन था. क्वेश्चन नंबर फाइव है, कमला इज नॉट इन्फीरियर के साथ टू लगता है, यहाँ पे देन लगाया गया है. तो ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी था. नेक्स्ट है, वर्ल्ड इज प्रोड्यूसिंग इनफ फॉर एवरी सिटीजन बट स्टिल देयर इज हंगर एंड मॉल न्यूट्रिशन एंड इट इज कॉन्टिन्यूइंग ईयर आफ्टर ईयर. देखो एक चीज़ यहाँ पे समझो, क्वेश्चन ये अच्छा है, यहाँ पे जल्दी एरर समझ में नहीं आता है. वर्ल्ड इज प्रोड्यूसिंग इनफ, जो वर्ल्ड की बात की जा रही है कि संसार क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है. तो देखिए प्रोड्यूस कर रहा है कि सेंस में हम लगाते इज प्रोड्यूसिंग, लेकिन वो अभी से तो प्रोड्यूस कर नहीं रहा है, बहुत पुराने समय से पास्ट से करता हुआ चला आ रहा है और अभी भी कर रहा है. तो ऐसे केस के लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बजाय हम क्या लगाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. तो यहाँ पे क्या होगा, हैज़ बीन होना चाहिए. ये यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि जब पास्ट से कोई चीज़ कंटिन्यू होती चली आ रही है और अभी भी कंटिन्यू है, तो ऐसे में हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं. तो यहाँ पे हमें इज की जगह हैज़ बीन लगाना पड़ेगा. बस ये थोड़ा सा यहाँ पे गलती की गई है. तो ए पार्ट है यहाँ पे, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था. क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, द NCC कमांडेंट एलोंग विथ हिज कैडेट्स. देखो जैसे ही एलोंग विथ से कुछ जुड़ा हो, फर्स्ट सब्जेक्ट और सेकेंड सब्जेक्ट, या यूं कह लो कि दो नाउन, एक सिंगुलर है और इधर एक प्लूरल है, तो जो आपका वर्ब आता है जैसे यहाँ पे आर लिया गया है, वो आना चाहिए किसके हिसाब से, फर्स्ट वाले के हिसाब से. तो द NCC कमांडेंट ये आपका क्या है, सिंगुलर है, तो इसके हिसाब से यहाँ पे क्या आना चाहिए, इज आना चाहिए. तो ये कुछ कीवर्ड्स है जो टीयर वन में मैंने आपको सिखाया था कि कीवर्ड के थ्रू हम काम करते हैं. तो एलोंग विथ एक कीवर्ड है, ये क्या करता है, ये जोड़ता है दो हमारे नाउन को और एक बड़ा सा सब्जेक्ट बनाता है कंबाइन करके. तो एलोंग विथ के पहले जो हमारा नाउन रहता है उसी के हिसाब से हम वर्ब का यूज करते हैं. तो यहाँ पे यही गड़बड़ी है, आर की जगह पे आपको इज लेना है. क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ही डिड नॉट सक्सीड टू गेट द जॉब दो ही ट्राइड हिज लेवल बेस्ट. ही डिड नॉट सक्सीड इन गेटिंग द जॉब होना चाहिए यहाँ पे, इन गेटिंग द जॉब, इसमें बी पार्ट में गलती है. क्वेश्चन नंबर फोर है, मेनी ऑफ द फेमस एडवर्टाइजिंग ऑफिसेज आर लोकेटेड एट मेडिसन एवेन्यू. यहाँ पे आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है. देखो जो मेनी है, देखो जब मेनी ए आए तो इसके साथ क्या करते हैं, हम सिंगुलर नाउन का इस्तेमाल करते हैं, सिंगुलर नाउन का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन जब मेनी आता है तब ऐसे केस में हम इसके साथ हम क्या करते हैं, प्लूरल नाउन का इस्तेमाल करते हैं. तो यहाँ पे है भी मेनी के साथ, आप द फेमस एडवर्टाइजिंग ऑफिसेज, देखो ऑफिसेज है यहाँ पे, ये है आर लोकेटेड, आर उसके बाद आया है तो ये पूरा का पूरा प्लूरल बनता है और प्लूरल बनने के बाद वर्ब प्लूरल रखता है. और यहाँ पे एक बात ये समझिए कि जो ऑफिसेज है, एट द मेडिसन एवेन्यू हम कब इस्तेमाल करते हैं, जब हम किसी चीज़ के बाहर हो उसमें या छोटे शहर वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं. मेडिसन एवेन्यू एक प्लेस का नाम है या एक बिल्डिंग कह सकते हो, तो ऑफिस होगा वो बिल्डिंग के इनसाइड होगा. तो यहाँ पे एट के बजाय आपको इन लेना पड़ेगा. तो ये यहाँ पे प्रीपोजिशन की गलती है और आपको ये समझने की ज़रूरत है, मेडिसन एवेन्यू का मतलब ये है कि जो ऑफिसेज हैं वो क्या है, अंदर है किसी बिल्डिंग के और ये एक बिल्डिंग का नाम है, इसलिए एट की जगह हम क्या लेंगे, इन लेंगे. क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, नेचर हैज डिनाइड अस द पावर ऑफ क्लोजिंग आवर ईयर्स विच सी गेव इन रेस्पेक्ट ऑफ आवर आइज. देखो यहाँ पे ध्यान से समझो कि यहाँ पे देखिए हैज़ क्या होता है, आपका प्रेजेंट टेंस, और यहाँ पे है गेव, वी टू फॉर्म सिंपली, ये आपका सिंपल पास्ट है. तो प्रेजेंट और क्या हो रहा है, पास्ट को एक साथ मिक्स कर दिया गया है. तो यहाँ पे आपको क्या कन्वर्ट करना होगा, जो गेव है इसको चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा विच हैज़ गिवेन, आप ये इस्तेमाल कर सकते हो प्रेजेंट परफेक्ट रेस्पेक्ट ऑफ आवर आइज. तो यहाँ पे सी पार्ट में गड़बड़ी है. इसके बाद नेक्स्ट है,
यू डू नॉट लुक एज योर ब्रदर, लुक लाइक होता है, लुक एज नहीं होता है, यू डू नॉट लुक लाइक योर ब्रदर। सेकेंड है माई इल्डर ब्रदर इज 6 फुट हाई, फुट हाई नहीं होता है, टाल होता है, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है विदाउट नो प्रूफ ऑफ योर गिल्ट द ओनली कोर्स ओपन टू मी इज टू डिसमिस द केस। विदाउट नो प्रूफ ऑफ योर गिल्ट, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, विदाउट का मतलब होता है बगैर किसी चीज़ के, फिर नो भी लगा दिया है साथ में, तो विदाउट एनी प्रूफ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विदाउट एनी प्रूफ। ये डबल निगेटिव का सेंस देता है, विदाउट का मतलब आपके पास कुछ नहीं है, नो का भी मतलब है कुछ नहीं, तो विदाउट प्रूफ या नो प्रूफ मतलब एक ही है, तो यहाँ पे आप एनी लगा सकते हो। विदाउट एनी, एनी का मतलब हो गया किसी के सेंस में, कि विदाउट एनी प्रूफ बगैर किसी प्रूफ के, तो यहाँ पे नो की जगह एनी का इस्तेमाल होगा, ए पार्ट में यहाँ पे एरर है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ एज वी सी इट सी अपीयर्स टू बी अनरीजनेबल एनेक्सियस अबाउट प्लीजिंग हर हस्बैंड। यहाँ पे समझिए एक चीज, सी अपीयर्स टू बी अनरीजनेबली इस्तेमाल होगा क्योंकि एनेक्सियस, एनेक्सियस जो आपका वर्ड है इसको मॉडिफाई कराना है, तो आपको क्या करना है, एनेक्सियस मतलब होता है उत्सुक, ये आपका जो है, वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए आपको चाहिए एडवर्ब, तो अनरीजनेबल आपका एग्जेक्टिव है, तो ये गलत है, अनरीजनेबली लगेगा यहाँ पे, फिर हम ये हो जाएगा एडवर्ब और वर्ब को कर जाएगा क्वालिफाई, तो अनरीजनेबली एनेक्सियस अबाउट प्लीजिंग हर हस्बैंड, ये करेक्ट फॉर्म होगा, तो यहाँ पे बी पार्ट में इरर है। क्वेश्चन नंबर 5 द सीजर्स इज लाइंग ऑन द टेबल। देखिए भाई, देखो सीजर्स में हमेशा एस लगा रहता है और ये प्लूरल सेंस में इस्तेमाल करते हैं तो इज नहीं लगाते हैं आर, तो ये एक बहुत छोटी सी गलती है जो आपको नाउन में पढ़ाई जाती है। क्वेश्चन नंबर आगे है एयर पोल्यूशन टुगेदर विथ लिटरिंग आर कॉजिंग मेनी प्रॉब्लम्स। देखो एयर पोल्यूशन टुगेदर विथ वही है, एलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ, इनके साथ जब भी कोई दो चीज़ें जोड़ी जाती है, जैसे लेटरिंग और एयर पोल्यूशन है, ठीक है, ये ऐड किया जा रहा है, तो एयर पोल्यूशन के हिसाब से आपका वर्ब आना चाहिए, तो यहाँ पे आएगा इज, एयर पोल्यूशन आपका सिंगुलर है। सेकेंड है द एक्यूज्ड रिफ्यूज्ड टू एंसवर टू द पुलिसमैन ऑन ड्यूटी। अब यहाँ पे देखिए एंसवर के साथ टू आया है, एंसवर के साथ जो है प्रिपोजिशन कैसे इस्तेमाल करते हैं पहले समझ लीजिए, एंसवर के साथ टू इस्तेमाल करते हैं, एंसवर के साथ फॉर इस्तेमाल करते हैं, और एंसवर बगैर प्रिपोजिशन के भी आता है। एंसवर के साथ टू कब इस्तेमाल करते हैं, जब हम ये कहते हैं कि फलाने आदमी को हमें रिपोर्ट करना है, मतलब हम कोई काम करेंगे जाके इस आदमी को जो है जवाब देंगे, तब हम बोलते हैं एंसवर टू। और एंसवर फॉर का मतलब ये होता है कि जैसे हमें कोई काम पकड़ाया गया और ये बोला गया कि ये काम आपको पूरा करना है, कोई गड़बड़ी हुई तो आप इसके जिम्मेदार होगे, तो एंसवर फॉर उस सेंस में इस्तेमाल होता है। और सिंपली एंसवर कब इस्तेमाल होता है, जब हम किसी चीज़ के लिए उत्तर दे रहे हो, किसी को उत्तर दे रहे हो हाँ में या ना में, तो सिंपल यूज जब होता है तब हम उसके साथ ना ही टू इस्तेमाल करते हैं ना ही फॉर इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर आपको समझना है कि किस सेंस में आंसर का यूज किया गया यहां पे, तो यहां पे जो एक्यूज्ड है वो जो पुलिसमैन है ऑन ड्यूटी उसको मना कर रहा है जवाब देने के लिए, तो अगर सिंपली जवाब देने के लिए मना कर रहा है तो ना टू आएगा ना फॉर आएगा, सिर्फ सिंपली आंसर का इस्तेमाल होगा यहां पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है व्हाट इज द यूज ऑफ मी अटेंडिंग, मी अटेंडिंग नहीं होता है, माई अटेंडिंग द सेशन होता है। क्वेश्चन नंबर फोर है वी मेट आवर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर फॉर ए ब्रीफिंग सेशन इन द ताज होटल। यहाँ पे देखिए सेंटेंस में कोई गड़बड़ी नहीं है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है बिकॉज ऑफ द सिवरी स्नो स्टॉर्म एंड द रोड ब्लॉक्स द एयरफोर्स ड्रॉप्ड फूड एंड मेडिकल सप्लाइज क्लोज टू द सिटी। यहाँ पे भी सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो इरर है इसमें भी, इसका डी जाएगा और इसका डी जाएगा। तो आज के कुछ क्वेश्चन रहे हैं वो बहुत इजी रहे हैं, मैं अगली बार कोशिश करूँगा कि जो क्वेश्चन हो वो थोड़े से और टफ लेवल के हों। वैसे तो जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो यही क्वेश्चन आते हैं, छोटी छोटी गलतियां रखी जाती है, तो अगर आपको बेसिक चीज़ें पता है तो एग्जाम में आप 20 में से 17-18 तो आराम से निकाल सकते हैं। दो तीन क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें हमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, तो हम लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो आदत सी पड़ जाएगी चीज़ों को देखने की, सुनने की, समझने की, और थोड़ा सा हमारा जो माइंड है वो भी थोड़ा ब्रॉड लेवल पे सोचने लगता है, तो फिर दो तीन क्वेश्चन जो नहीं आने वाले होते हैं वो भी ऑटोमेटिकली निकल जाते हैं। सो मिलते हैं अगली वीडियो लेक्चर में इन्हीं पीडीएफ और डिस्कशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।